वेलकम टू द ऑल टाइम क्रिएशन। आई होप कि आपको वुल फ्लावर पार्ट वन ज़रूर पसंद आया होगा और आशा करती हूँ कि आपने ज़रूर कोई ना कोई क्रिएटिविटी उससे रिलेटेड ज़रूर की होगी। आई होप कि आपको वुल फ्लावर पार्ट टू पसंद आएगा। मैंने कोशिश की है और आप ज़रूर कुछ ना कुछ इससे बनाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं वॉल हैंगिंग विद द हेल्प ऑफ वुल एंड पेपर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पुराने कुछ पेपर लिए हैं, इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स की है। आप चाहे तो स्ट्रिप कट करने के लिए स्केल, रूलर या सिजर यूज कर सकते हैं। स्ट्रिप्स के ट्यूब्स या पाइप बनाने के लिए यहाँ पे निटिंग निडल का यूज़ किया है। आप चाहे तो पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा थिकर बनाना है पाइप। बहुत ही इजी है, बहुत जल्दी जल्दी फोल्ड हो जाता है। यहाँ पे निटिंग निडल लिया है और फेविकोल या ग्लू से इसे पेस्ट करना है। ये सारी पाइप्स तैयार हो गई हैं। बहुत ही इजी है एंड बहुत ही इंस्टेंट है, बहुत जल्दी बन जाता है। यहाँ पे पाइप को मैंने सर्कल शेप में बनाया है, तो यहाँ पर मैंने कैप यूज़ किया है। आप चाहे तो छोटी ग्लास या बोल को यूज़ कर सकते हैं सर्कल शेप के लिए, जो इक्वल सर्कल शेप बन जाएंगे। ये सारे शेप्स तैयार हो गए हैं, बहुत ही इजी है। इस सर्कल शेप में वूल को रैप करना है छोटी सी नॉट लगा के और फाइनली उसे फेविकोल या ग्लू से पेस्ट करना है ताकि इसकी बाइंडिंग ओपन ना हो। चाहे तो आप दो तीन कलर के वूल को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन एंड वाइट वूल को लिया है। अगर आप चाहें तो रेशम का थ्रेड या कॉटन थ्रेड भी यूज कर सकते हैं वूल की जगह, वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। तो यहाँ पे मेरी सारी सर्कल वूल के साथ तैयार हो गई है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और बेस के लिए मैंने एक थिकर शीट लिया है जिसे सर्कल शेप में कट किया है और वूल का पेटल जो है वो ओवल शेप में, ये सारी शेप पेटल जो है फ्लावर पेटल में आ गई है। अब इसे इस सर्कल के ऊपर बेस के ऊपर अटैच करना है फ्लावर शेप में। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर फिर से पेंसिल की हेल्प से एक छोटा सा फ्लावर बनाएंगे वूल को लेके। फ्रैक्शन ऑफ मिनट फ्लावर तैयार हो जाता है, ये बहुत ही इजी है। आप कभी भी फ्री हो तो ये इस टाइप के फ्लावर के बंचेस बना के आप कहीं भी टक कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये सारे फ्लावर तैयार हो गए हैं। अब इसे मैंने फ्लावर के सेंटर एरिया में अटैच कर दिया है, उसके ऊपर पर्ल लगा दिया है। आप चाहे तो पर्ल लगा दीजिए, नेट नग को लगा दीजिए, स्टोन्स लगा दीजिए, मिरर सितारे लगा दीजिए, शीशे भी लगा सकते हैं, वो अपने आप में बहुत सुंदर लगेंगे। और यहाँ पे फ्लावर को मैंने वर्टिकल स्टाइल में अरेंज किया है और अटैच करने के लिए पर्ल की स्ट्रिंग्स बनाई है वूल के साथ। तो आप डबल स्ट्रिंग्स भी बना सकते हैं, सिंगल स्ट्रिंग्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंगल स्ट्रिंग्स बनाई है फ्लावर को अटैच करने के लिए। ये देखिए तीनों फ्लावर अटैच हो गए विद द हेल्प ऑफ पर्ल एंड वूल स्ट्रिंग्स। अब इसे यहाँ पर फ्लावर का एक यहाँ पे नीचे की तरफ फूंदने का टच मुझे देना है, जो बहुत ही सुंदर लगता है। इस वूल के फूंदने को कहते हैं, फूल को आप कहीं भी दुपट्टे में भी लगा सकते हैं, वो बहुत ही सुंदर लगेगा। बट आप वूल की जगह आप रेशम थ्रेड यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा सुंदर लगता है। तो लटकन के लिए यहाँ पे आप फ्लावर के फूंदने, फ्लावर के फूल बना सकते हैं वूल के।
ये वॉल हैंगिंग इज रेडी। कहते हैं ना आर्ट इज वेयर वर्क मीट्स लव। तो अब चलिए एक दूसरे क्रिएटिविटी के साथ, दूसरे वॉल हैंगिंग के साथ यहाँ पर बंधनवार बनाने वाली हूँ। डोर बंधनवार कैसे बनता है आइए इसे देखते हैं। यहाँ पे ऊन को यूज़ किया है, वुल को यूज़ किया है, आप चाहे तो थ्रेड, चाहे तो और भी कोई मटेरियल स्ट्रिंग्स वाले यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ही सुंदर लगेंगे। लटकन बनाने बहुत ही इजी है, इसे कई बार फिंगर में रख के रैप करना होता है 20 times 25 times, जितनी आपको डेंस चाहिए वैसा आप रैप कर सकते हैं, फिर इसे बांधिए और कट कीजिए। देखिए कितना प्यारा सा लटकन तैयार हो गया। आजकल तो ये फैशन में भी है, एयरिंग भी बनाते हैं इसकी और लगाते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप चाहे तो कलर वाइज अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, कलरफुल मैचिंग के अकॉर्डिंग। तो इसी टाइप के खूब सारे फ्लावर तैयार करने हैं और ये ऊन के खूब सारे लटकन तैयार करने हैं हैंगिंग वाले, जिसे हम फ्लावर के साथ हैंग करने वाले हैं। फ्लावर और इस हैंगिंग वूल को एक दूसरे के साथ स्ट्रिंग्स के, पर्ल के स्ट्रिंग्स के साथ अटैच करना है। देखा कितना प्यारा लग रहा है, अगर ऐसे आप दुपट्टे में और ड्रेस में लगाते हैं तब भी बहुत सुंदर लगेगा। तो ये सारी फ्लावर और फूलने की स्ट्रिंग्स तैयार हो गई है जो अपने आप में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। अब यहाँ पे मैंने 3 कलर के वूल को लिया हुआ है और हर कलर के स्ट्रिंग्स में 4 वूल हैं, 4-4 लाइनें वूल की है। इसे एक जैसे हेयर जो प्लेट्स बनती है उसकी तरह आपको गूंथना है, चोटी की तरह, बहुत ही सिंपल है। एक लंबी सी स्ट्रिंग्स बनानी है। ये एक्टिविटी बच्चों के क्राफ्ट वर्क में बहुत ही हेल्पफुल होगी। और जब भी आप फ्री हो तो ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी कर सकते हैं, बच्चों को भी आप दे सकते हैं, जिससे कि उनका मोटर स्किल डेवलप हो सकता है, मोटर स्किल एंड फाइन स्किल, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फिंगर एंड इमेजिनेशन पावर। तो आई होप कि ये वॉल हैंगिंग आपको ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट टाइम फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष, आर्टिस्टिक वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।